नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे। आज मैं आपको बताता हूं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन सी बीमारी हो चुकी है आज के समय में। जो फीमेल्स हैं, खासकर उनके लिए ये वीडियो है। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि पीरियड्स का सही समय पर ना होना। पीरियड्स एक फीमेल के शुरू हो जाते हैं जब वो 11 या 12 साल की होती है, और ये जो पीरियड का दौरान है ये लगभग 44 to 45 ईयर्स तक होता है, जो कि कई बार कुछ केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ केसेस में थोड़ा सा कम। जब ये पीरियड्स ठीक समय से नहीं होते हैं, एक जो लेडी है उसके लाइफ में ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये जो डिसऑर्डर है, ये आता है कुछ कारण की वजह से। सबसे पहला कारण तो है हमारे जीवन शैली, हमारा जो लाइफस्टाइल है। जब हम गलत तरीके से अपने लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, ठीक समय से नहीं सोते हैं, ठीक समय से नहीं उठते हैं। दूसरा कारण है ऑब्स्टिनेशन नहीं करते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। इसका मतलब हुआ कि जब पीरियड्स का टाइम होता है, उस दौरान भी हम अपने आप को सेक्स से, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों से जब अपने आप को नहीं रोकते हैं, तो भी ये एक कारण बन जाता है हमारे लिए एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का। कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट जिसमें आजकल हम सब लोग जी रहे हैं, हमारे अंदर हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेंटल टेंशन, ये कारण है जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर शरीर के अंदर आ जाता है। तो अब इस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को हम ठीक कैसे करें? तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले तो जो ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये डिसऑर्डर आया है, इन कॉजेज को अपने जीवन से, अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी हटा दें। अब मैं आपको बताता हूँ छः योगासन फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल में इन्वॉल्व करें, ताकि ये आपके शरीर में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम है इसको आप दूर कर सकते हैं। तो हमारा पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए हम अपने नीज पर इस तरीके से आकर के, और फिर अपने हील्स पर पीछे अपने हिप्स को पूरी तरीके से प्लेस करते हुए आराम से बैठें। हमारी गर्दन, पीठ और कमर सब एक लाइन में सीधे रहेंगे। अपने हाथों को, अपने पाम्स को अपने नीज पर रखते हुए आराम से धीरे धीरे अपने बैठने का जो समय है वो हम बढ़ाते रहेंगे। शुरुआत हम 1 मिनट से कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से हम करते करते अपने समय को धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है कोनासन। कोनासन या फिर पूर्ण तितली आसन भी कहते हैं इसको। तो इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके अपने बॉडी के नज़दीक पीठ, कमर, गर्दन को सीधा रखना है। पैरों को चलाना शुरू करेंगे, आपके पैर नीचे मैट से टच हो और ऊपर एल्बो से टच हो। जब हम शुरुआत में करते हैं तो हमारी थाइस मैट से टच होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम इसको रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी थाइस हमारे मैट से टच होने लगती हैं। आपके पैर, जब हम पैर चलाते हैं तो पैर हमारे आगे की ओर भागते हैं, इनको पकड़ करके पीछे ही रखना है। अपने बॉडी से, अपने पेरिनिया से टच रहना चाहिए हमारी हील्स। पैरों को चलाएं विद अवेयरनेस, अपने पेल्विक रीजन पे पूरा ध्यान, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। इसको भी हम धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक पूर्ण तितली आसन को कर सकते हैं। हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए हम सीधा बैठेंगे, पीठ, कमर, गर्दन हमारी सीधी, अपने हिप्स पे आगे की ओर, अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर उठाएं, आगे आते हुए एक्सहेल करते हुए अपने फीट को पकड़ लें, सामने देखें, पेट को अपना पूरा, थाइस के ऊपर, अपने पैरों को अपनी ओर ही खींचें नीचे, अपने चेस्ट को अपने घुटने के पास, और फिर अपने सर को आगे लगाएंगे। तो इस अभ्यास को भी हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट तक, जितनी देर भी आप इसको कंफर्टेबली कर सकें कि आपके शरीर में कोई भी खिंचाव या कोई दर्द ना महसूस हो, तब तक आप इसको आराम से कर सकते हैं। हमारा चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए हम अपने राइट लेग को उठाएंगे,
अपने लेफ्ट लेग के अक्रॉस, तो जिस साइड का हम लेग उठाएंगे उसी साइड अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है, अपने शरीर को निकालते हुए साइड से दूसरी साइड, अपने बाइसेप से अपनी नीज को पुश करेंगे, अपने हाथ को इधर लगाएं, अपने एंकल अपने फीट को, दूसरा हाथ हमारे बॉडी के पीछे और पीछे की ओर देखेंगे, राइट साइड पीछे की ओर, और यही चीज हम दूसरे साइड से भी करेंगे। तो आप अपने लेफ्ट लेग को उठा करके राइट लेग के क्रॉस अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड में निकालते हुए अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पुश करेंगे, एंकल को पकड़ लें, दूसरा हाथ हमारा बॉडी के नजदीक, पीछे अपने दूसरे पैर को फोल्ड कर लेंगे, अपने दूसरे पैर को फोल्ड करके नजदीक, हाथों को पीछे और पीछे की ओर देखें, एंड देन रिलैक्स। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी हम शुरुआत कर सकते हैं 20 सेकेंड से, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, धीरे धीरे आप अपने समय अवधि को, आपका जो टाइम इंटरवल है उसको बढ़ा सकते हैं। हमारा पांचवा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आराम से लेट जाएंगे। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखना है, चिन को आगे लगाएंगे। अभी हम इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, पहले अपनी गर्दन को उठाएं, अपने चेस्ट को उठाएं, अपनी नाभि तक हम पूरा उठेंगे, ऊपर और पीछे की तरफ देखें, शोल्डर्स डाउन, नेक अप, अपने पेट पर पूरा स्ट्रेच, एंड देन कम डाउन। हमारा छठा और आखिरी आसन है सलभासन। तो सलभासन के लिए हम अपने हाथों को अपने साइड्स में रखेंगे, तो अपने पैरों को पीछे उठाएंगे बिल्कुल सीधा और ऊपर की ओर, होल्ड करेंगे यहां पर थोड़ी देर, फिर नीचे, दूसरा पैर उठाएंगे ऊपर की ओर सीधा और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच, पूरा हमारे कमर पर जोर आते हुए, और फिर नीचे, और फिर हम दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। इसके लिए अपने हाथों को मुट्ठियों में बनाएंगे, अपनी थाइस के नीचे रख लें, चिन को आगे लगाएं मैट से, और दोनों पैरों को साथ में पीछे की ओर उठाएंगे, कमर पर पूरा जोर, होल्ड करेंगे यहां पर, एंड डाउन। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से या पीरियड के अनइवन होने से अगर आप परेशान हैं, या आपके लाइफ में इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इन सारी बातों को फॉलो करें। इन 6 आसनों को आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में डेली कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके की कोई परेशानी है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से परेशान है, तो प्लीज आप ये वीडियो उनसे शेयर करें, बाकी लोगों को भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, और अगर आप इस तरीके की और जानकारियां लेना चाहते हैं, या कुछ ऐसे छोटे छोटे आसन जो आप अपने घरों से ही कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो नए वीडियोस हैं उनको आप देख पाएं। धन्यवाद।